आज हम बनाएंगे बिना घी, बिना तेल, बिना दूध, बिना मावा और बिना डालडा घी के सूजी का टेस्टी दानेदार रसीला हलवा। लेकिन दोस्तों, जब आप इस हलवे को खाएंगे तो इसमें मावा का टेस्ट आएगा और ये हलवा मूंग दाल के हलवे से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए बनाते हैं बिना घी, बिना तेल, बिना दूध, बिना मावा और बिना डालडा घी के सूजी का बहुत ही टेस्टी रसीला दानेदार हलवा। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। अब इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बादाम काजू बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप यदि हलवे में काजू बादाम नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, इनको स्किप भी कर सकते हैं। बिना बादाम काजू के भी ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। और यदि आप हलवे में ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं तो आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बादाम काजू को मैं ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ क्योंकि हम ये हलवा बिना घी या तेल के बना रहे हैं। आप ड्राई फ्रूट्स को एक चम्मच देसी घी या तेल में भी भून सकते हैं। थोड़ी देर में ही बादाम काजू हल्के से भून गए तो अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको छोटा छोटा काट लेंगे। और अब लेंगे एक कप सूजी, ये वजन में 200 ग्राम है। आप सूजी को कटोरी या कप से नाप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम आज इस हलवे को बनाने के लिए इसी कप से नाप कर सारी चीज़ें लेंगे जिस कप से नाप कर हमने सूजी ली है। और सूजी बारीक या मोटी कैसी भी ले सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से हम ये सूजी का हलवा बनाएंगे तो उसके लिए आप सूजी मोटी या बारीक कैसे भी ले सकते हैं। इस तरीके से सूजी का हलवा टेस्टी ही बनेगा। अब इस सूजी को भारी तले की कढ़ाई में डाल देंगे। जिस भी बर्तन में आप ये सूजी का हलवा बनाएंगे तो वो भारी तले का होना चाहिए। अब इस सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये सूजी का हलवा बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा देना ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को पूरा देखकर ये हलवा बनाना ताकि आपका सूजी का हलवा भी बिना घी या तेल के टेस्टी और दानेदार बने। सूजी को लगातार चम्मच से चलाते हुए भूनना है ताकि सूजी अच्छे से भुने, जले नहीं। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर 6 से 7 मिनट हो गए सूजी को भूनते हुए। सूजी में से अब अच्छे से भुनने की खुशबू आने लगी है तो अब इसमें डाल देंगे 1.5 कप दूध की मलाई। दूध नहीं डालना है, सिर्फ मलाई ही डालनी है। और जिस कप से नाप कर हमने सूजी ली है तो उसी कप से नाप कर 1.5 कप मलाई लिए, लेकिन मलाई आप इसमें 2 कप तक भी डाल सकते हैं। आप इसको फिर से लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे और गैस की फ्लेम को अभी भी मीडियम पर ही रखेंगे। और सूजी को थोड़ा भूनने के बाद ही मलाई डालनी है क्योंकि यदि सूजी को बिना भूने ही उसमें मलाई डालकर पकाएंगे तो सूजी कढ़ाई में चिपकेगी भी और सूजी अच्छे से पकेगी भी नहीं। इसलिए पहले सूजी को थोड़ा पकाना है और उसके बाद ही सूजी में मलाई डालकर सूजी को दोबारा से पकाना है। थोड़ी देर में ही जब सूजी भुनेगी तो इसमें मलाई की वजह से काफ़ी सारे झाग बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जो सूजी में मलाई डाली है वो भैंस के फुल फैट दूध की मलाई है। इस मलाई में से काफ़ी घी निकलता है तो इस हलवे में घी या तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से मलाई डालकर सूजी को भूनेंगे तो सूजी को काफ़ी टाइम लगता है भूनने में। और जब हम देसी घी या तेल डालकर सूजी को भूनते हैं तो 6 से 7 मिनट में ही सूजी अच्छे से भून जाती है। इस तरीके से सूजी का हलवा बनाएंगे तो हलवे को बनाने में टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप इस हलवे को खाएंगे तो इसके आगे सभी तरह के हलवे और महंगी से महंगी मिठाई भी फेल है। सूजी में मलाई डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर 9 मिनट के करीब हो गए सूजी को पकाते हुए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन 1 चम्मच से ज़्यादा भी नहीं डालना है। इसको भी सूजी में अच्छे से मिला देंगे और अभी भी इसको लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। सूजी के हलवे में 1 चम्मच बेसन डाल देंगे तो सूजी के हलवे का टेस्ट डबल हो जाएगा। आप इस तरीके से बिना घी तेल सूजी का हलवा बनाएंगे और जब आप किसी को ये हलवा खिलाएंगे तो वो ये ज़रूर पूछेगा
कि बिना घी तेल और बिना दूध के ये मावा के टेस्ट वाला सूजी का हलवा कैसे बनाया है, क्योंकि ये हलवा वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बेसन डालने के बाद सूजी को हमने 3 से 4 मिनट और पकाया है। हमने जब कढ़ाई में सूजी डाली थी तब से और अब तक गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर टोटल 19 से 20 मिनट के करीब सूजी को पकाया है। अब सूजी अच्छे से पक गई तो अब इसमें डालेंगे 4 कप पानी। जिस कप से हमने सूजी नाप कर लिए है तो उसी कप से नाप कर 4 कप पानी डालेंगे। साथ में डाल देंगे थोड़े से इलायची के दाने। अब इसको लगातार चम्मच से चलाते हुए पका लेंगे, लेकिन अब गैस की फ्लेम को हाई पर रखेंगे और थोड़ी सी डाल देंगे किशमिश। किशमिश को भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किशमिश को सूजी के गरम गरम हलवे में डालेंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगी। जब ये सूजी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो अब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। जिस कप से नाप कर हमने सूजी ली है तो उसी कप से नाप कर 1 कप चीनी डालेंगे और साथ में डाल देंगे ये काजू बादाम जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे हैं। ये जब ठंडे हो गए तो हमने इनको छोटा छोटा काट लिया। अब इनको अच्छे से मिला देंगे और अभी भी इसको लगातार चम्मच से चलाते हुए ये पकाना है। चीनी आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे जो हमने इसमें चीनी डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हमने 1 कप सूजी ली थी और फिर उसमें 4 कप पानी डाला है और 1 कप चीनी। ये सारी चीज़ें हमने उसी कप से नाप कर डाली है जिस कप से हमने सूजी नाप कर ली थी। आपने यदि सूजी को भूनते हुए कम मलाई डाली है तो अब आप इसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें देसी घी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सूजी को भूनते टाइम इसमें अच्छे से मलाई डाली है तो इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और 1 कप सूजी के हलवे में 4 कप से कम पानी डालेंगे तो हलवा थोड़ी देर में ही जम जाएगा, यानी कि टाइट हो जाएगा। लेकिन आप 4 कप पानी डालकर ये हलवा पकाएंगे तो ये हलवा शाम तक भी नहीं जमेगा और अलग अलग दानेदार रहेगा। हलवे को पकाते पकाते जब ये कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देगा और इस तरह से मलाई में से घी भी सारा अलग हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब हमारा बहुत ही टेस्टी रसीला दानेदार सूजी का हलवा तैयार है। अब गैस को बंद कर देंगे। आपको ये सूजी का हलवा बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे ही अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।